आजकल होममेड मसाले यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इसलिए इस वीडियो में मैंने किचन किंग मसाला और एक आसान सी पनीर की रेसिपी बनाई है। आई एम ज्योति, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैंने धीमी गैस पे एक कढ़ाई रखी है, उसमें 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून पीली सरसों, 1 टेबलस्पून सौंफ डालेंगे। 15-16 दाने काली मिर्च, 10-12 दाने लौंग के डाले हैं, 2 काली इलायची, 1 चक्रीफूल, दालचीनी का 1 इंच टुकड़ा, 1 पीस जावित्री डाला है और 1 जायफल का छोटा सा टुकड़ा डाला है, 4 कश्मीरी मिर्च, 2 तेज़पत्ते, 1 चम्मच मेथी के दाने, साथ ही में 1 टेबलस्पून खसखस डाली है। 2-3 मिनट भून के इसको ठंडा करके पीस लिया है। अब 1 टेबलस्पून सौंठ, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल के वापस मिक्स कर लिया है। अपना किचन किंग मसाला तैयार है। अब पनीर मसाला बनाने के लिए 1 टेबलस्पून तेल गरम किया है, उसमें 5-6 लहसुन, 1 इंच अदरक, हरी मिर्च, 1 प्याज कटा हुआ डाला है, साथ ही में 1 कश्मीरी चिली डाली है। प्याज का कलर हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। बाद में 1 कटा हुआ टमाटर डाल दिया है मैंने, नमक डाल दिया है। टमाटर पूरा मैश होने तक पका लेना है। अब मैंने गैस बंद करके इसमें 7-8 काजू डाले हैं भिगोए हुए, और ठंडा करके एकदम बारीक पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून बटर गरम किया है, उसमें ये जो हमने मसाला पेस्ट बनाई थी वो डाल दी है और उसको अच्छे से भूनना है। अब यहाँ पे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल के अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा पानी डालना है, कसूरी मेथी, पनीर के टुकड़े डाल दिए हैं, साथ ही में अपना होममेड किचन किंग मसाला डाला है 1/2 टीस्पून। हल्के हाथ से मिक्स करना है, ऊपर से कटा हुआ धनिया डाल देना है। ये रेसिपी मैंने चिल्ड्रन डे पे बनाई थी, सबको बहुत पसंद आई थी। आप भी ज़रूर ट्राई करें और आपका अनुभव शेयर करें। धन्यवाद।